myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about STD, means sexual transmitted disease. इसमें हम लोग sexual transmitted disease में gonorrhea and syphilis means bacteria से होने वाले disease को हम लोगों ने पढ़ लिया था. But today we will discuss about HIV means viral disease. Okay dear students, viral disease. आज हम लोग बात करेंगे viral disease के बारे में, यानी कि जो वायरस से होने वाला रोग होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि HIV, ठीक है, HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो एक डिजीज़ को देता है जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. इसी के बारे में बच्चों हम लोगों को आज बात करना है पूरा डिटेल से. आप प्लीज़ सभी लोग कंसंट्रेट होके समझेंगे, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को आपको क्लियर किया जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा. चलिए हम लोग आगे बात करते हैं. व्हाट इज़ HIV? मैंने अभी आपको बताया है HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. मीन्स यहाँ पे देखिए बच्चों, सिंड्रोम नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी यहाँ पे बच्चों वायरस होगा. ओके, वायरस होगा. देखिए बच्चों, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस, ये एक तरह का स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस होता है जिसे हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं. HIV इन्वेड्स द हेल्पर टी सेल्स टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि ये हमारे हेल्पर टी सेल्स के साथ मिलके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिप्लिकेट करके अपने और भी ज़्यादा क्लोन तैयार कर लेता है. एक और बात बच्चों याद रखिएगा कि HIV का अभी तक कोई भी दवा नहीं खोजा गया है, ठीक है. सो, इसका कोई भी क्योर इलाज नहीं है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं. एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. ओके, HIV इज द वायरस दैट कॉज्ड एड्स. ओके, HIV एक ऐसा वायरस होता है जिसके वजह से बच्चों एड्स डिजीज होता है. डिजीज लिमिट द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है बच्चों. देखिए, ये ऐसा डिजीज है, अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो अनदर जितने भी डिजीज होते हैं उनसे फाइट करने में हमारा बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता है, मीन्स उससे फाइट नहीं कर पाता है. बाहर के जितने भी डिजीज आते हैं उनसे फाइट नहीं कर पाता है. अ पर्सन विथ एड्स, यानी ऐसा पर्सन जिसको एड्स हुआ है, हैज अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम. ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, और इसका बच्चों कोई भी इलाज नहीं है. मतलब मेरे कहने का ये है कि जितने भी HIV वायरस से लोग ग्रसित होते हैं उनकी मौत 100% हो जाती है, मतलब कि वो मर जाते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, HIV वायरस का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक तरह का HIV वायरस का स्ट्रक्चर है. चलिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. तो आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ऑफ HIV, ये आपको HIV का स्ट्रक्चर दिख रहा है. यही वायरस है बच्चों जो हमारे बॉडी में आने के बाद से हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और एट लास्ट हमारी मौत 100% हो जाती है. इसका कोई भी बच्चों इलाज नहीं है. तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. बच्चों आप ध्यान दीजिए, HIV कैसे कैसे फैलता है, किस किस रीज़न के वजह से फैलता है. तो सबसे पहला रीज़न है अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी कर रहा है विदाउट प्रोटेक्शन के, ठीक है, देन उसको एड्स हो सकता है, ठीक है. ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, और ब्लड प्रोडक्ट्स. बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी को एड्स हुआ है और वह जो रोगी है वो किसी को अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, किसी को ब्लड अपना दे रहा है, तो उसको तो ऑलरेडी है ही, जो हेल्दी पर्सन है
उसको भी ये डिजीज एड्स डिजीज हो जाएगा। ये किससे हो रहा है? ब्लड के द्वारा। उसके बाद से एक और बात समझो बच्चों, ये शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज या निडल, यानी कि जो हम लोग इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, देखिएगा डॉक्टर अगेन उस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करने देता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर एक ही इंजेक्शन का यूज़ हम लोग बार बार करते हैं तो भी बच्चों एड्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ा रहता है। एक और बच्चों है इससे चौथा जो पार्ट है, इन्फेक्टेड कैसे होते हैं दूसरे लोग, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। बच्चों अगर माँ को है, मींस अगर मदर को है, तो 100% उसके बच्चे को भी एड्स होगा। और एड्स के लोग बच्चों बचते नहीं है, और इसमें इम्यून सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है बच्चों। साइंटिस्ट अभी भी इसका इलाज खोज रहे हैं, बट इसका इलाज अभी भी नहीं मिला है। तो आइए देखिए और भी कैसे कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है। कॉमन फ्लू डेट आर मीन्स आर ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैलता है। सबसे पहले बच्चों ब्लड के द्वारा, यानी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर एड्स है, उसका ब्लड किसी को दे दिया जाए तो दूसरा इंसान भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, HIV से इन्फेक्टेड यानी एड्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा। सीमेन यानी स्पर्म से भी फैलता है, अगर किसी पर्सन को हुआ है और उसको एड्स हुआ है तो उसके वायरस उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में होंगे, स्पर्म में भी होंगे। जैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है किसी फीमेल के साथ, तो उस फीमेल को भी वो एड्स हो जाएगा बाय सीमेन और स्पर्म। वेजाइनल सिक्रीशन से भी होगा, अगर किसी फीमेल को अगर मान लीजिए एड्स हुआ है तो उसके भी पूरे बॉडी पार्ट्स में एड्स का पार्ट है, एड्स के सभी पार्टिकल्स हैं यानी HIV के पार्टिकल्स हैं, और उसका जो बार्थोलिन ग्लैंड है उससे जो लिक्विड सिक्रेट होता है उससे मेल को पूरी तरह से एड्स हो सकता है। एंड ब्रेस्ट मिल्क यानी कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो सकता है उसके मिल्क के द्वारा भी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कितना परसेंट किस चीज़ में होता है, यानी हमारे ब्लड में कितना होता है। सीमेन में HIV की मात्रा कितनी होती है, वेजाइनल फ्लूड में कितना होता है, एमनियोटिक फ्लूड में कितना होता है, तो आइए इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सलाइवा में कितना होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड से हमको 100% पता चल जाता है कि HIV हुआ है, एड्स हुआ है कि नहीं, HIV उसको इन्फेक्टेड किया है कि नहीं। ब्लड के अंदर बच्चों लगभग 18,000 HIV के वायरस होते हैं। सीमेन में बच्चों लगभग 11,000, वेजाइनल फ्लूड में 7,000, एमनियोटिक फ्लूड विच आर प्रजेंट, कहाँ प्रजेंट होता है बच्चों, जो मान लो कि जो बच्चा ये पल रहा है, जो प्लेसेंटा से पूरी तरह से ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाहर का जो ये लेयर होता है इसी में ऐसे कई पार्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूड। अब इस एमनियोटिक फ्लूड में कितना होते हैं इसके अंदर, तो लगभग 4,000 एमनियोटिक फ्लूड के अंदर एड्स के वायरस यानी कि HIV वायरस प्रेजेंट होते हैं। सलाइबा में बच्चों नियर अबाउट ओनली 1, ठीक है, यानी सलाइबा से बहुत रेयर चांस में ही एड्स का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ब्लड मिल जाए तो इससे हम लोग 100% पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कौन कौन से ट्रांसमिशन है जिसे HIV फैलते हैं, तो आप लोग बच्चों सुने होंगे होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है ना, होमोसेक्सुअलिटी जिसको समलैंगिकता के नाम से हम लोग जानते हैं। आप चले जाएंगे फॉरेन तो वहाँ पे देखेंगे मेल मेल से शादी कर लेता है, फीमेल फीमेल से शादी कर लेती है, ठीक है, और वहाँ मेल एंड फीमेल दोनों में भी शादी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेल एंड मेल से शादी करता है, फीमेल फीमेल से शादी कर लेती है, अपने लाइफ पार्टनर बना लेते हैं उन दोनों, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, होता ये है कि जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं होमोसेक्सुअलिटी वाले पर्सन, तो उनको तो एड्स होना तय होता है, उनको एड्स जरूर होता है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मेल टू मेल, ठीक है, मेल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल के साथ करा तो उसको भी हो जाएगा, मेल टू फीमेल और वाइस वर्सा, ओके, मेल एंड फीमेल से अगर फीमेल को हुआ या मेल को हुआ तो इन दोनों को हो जाएगा, एंड फीमेल टू फीमेल, याद रखिएगा इस बात को। ब्लड एक्सपोजर में क्या होगा, इंजेक्टिंग ड्रग यूज निडल शेयरिंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट,
मतलब कि बच्चों अगर किसी पर्सन को हुआ है, अगर मान लीजिए एड्स, और ओवर क्या किया, अपने इंजेक्शन को अपने अंदर लगाया, कोई नशा का इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन को कोई दूसरा पर्सन लगाता है, फिर उसी इंजेक्शन को किसी तीसरा पर्सन लगाता है, फिर उसी पर्सन को लगातार कई पर्सन लगाते हैं बिना चेंज किए उसके नीडल को या बिना इंजेक्शन को चेंज किए, तो उन सबको एड्स पकड़ लेगा बच्चों, ये याद रखिएगा। और ऐसे ही अमेरिका में सबसे पहले एड्स फैलना भी शुरू हुआ था, ठीक है। पैरेंटल में बच्चों क्या होगा, ट्रांसमिशन फ्रॉम मॉम टू बेबी ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है ना, या ब्रेस्ट फीडिंग, यानी अगर माँ को है और बच्चा पैदा हो चुका है और बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो उस बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। और अगर होगा तो बच्चों एड्स वाले रोगी कभी बचते नहीं है, ये एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक एक डिजीज है, किसी को अगर एक बार हो गया बच्चों तो लाइफ टाइम तक वो रहेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए, और मौत बच्चों 100% हो जाती है। केवल एड्स का पता करने में बच्चों 1 से 1.5 साल या 2 साल का टाइम लग जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार पता हो गया तो अगर किसी का एज 15 साल है तो बच्चों 20-22 साल तक जाते जाते उसकी मौत कन्फर्म है, हो जाती है। लेकिन कुछ दवाएं हैं जो दवाएं उसको कुछ दिनों तक बचाए रहती हैं, वो दवा का बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है जो मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगा। सभी लोग इस वीडियो को प्लीज़ क्लियरली अच्छे से समझेंगे। देखिए कैसे होता है शेयरिंग नीडल विदाउट स्टरलाइजेशन। देखिए बच्चों 30% ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन ऑफ एशिया एसोसिएटेड विद इंजेक्टिंग ड्रग यूज, यानी लगभग 30% लोगों को हमारे इंडिया में केवल इंजेक्शन, जो लोग ड्रग का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, नीडल शेयरिंग करने से, यानी कि एक ही इंजेक्शन का बार बार यूज़ करने से उनको एड्स हो रहा है लगभग 30% लोगों को, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे ये और भी किस तरीके से ये फैलता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए थ्रोसेक्स कैसे फैलता है, और थ्रोसेक्स में इंटरकोर्सेस मीन्स पेनियल पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यानी वेजाइना के अंदर जो मेल का पेनिस अंदर की ओर जाता है, अगर दोनों में से किसी को भी अगर एड्स है तो 100% दोनों को हो जाएगा एड्स, अगर एक को नहीं हुआ तब भी हो जाएगा। ओरल सेक्स, ओरल सेक्स का मतलब होता है माउथ के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पे। एनल सेक्स, ठीक है, एनस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से। एंड डिजिटल सेक्स मतलब कई मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से इनको एड्स हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात चलते हैं मदर टू बेबी में कैसे फैलता है। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर माँ को अगर हुआ है, ठीक है, तो ये 100% श्योर है कि इस बच्चे को भी एड्स होगा और दोनों साथ में मरेंगे। यह हो सकता है पैदा होने के बाद से बच्चा मरे और माँ भी मरे, ये है कि 100% दोनों के दोनों डाई बहुत जल्दी कर जाएंगे। बिफोर बर्थ, जन्म से पहले भी उस बच्चे को हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के समय भी हो सकता है, ठीक है, पोस्टमार्टम उस समय भी अगर देखा जाए तो हो सकता है उस बच्चे को, जैसे कि माँ अगर किसी कारण मर गई और अगर हम बच्चा को बचाना चाहते हैं तो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उस समय बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन देखा जाएगा उस समय भी उस बच्चे को एड्स हो जाता है, या जन्म के बाद भी उस बच्चे को एड्स हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एड्स के कई स्टेज होते हैं बच्चों, लगभग 4 स्टेज होते हैं, जल्दी पता नहीं चलता, आपको मैं बताया हूँ, अगर किसी को होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर एक बार पता चल गया बच्चों तो वो इंसान बचता भी नहीं है। पहला स्टेज है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में बच्चों क्या है, शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस, मतलब हल्का फुल्का आपको कमजोरी होगा, अकर्स 1 to 6 आफ्टर द इन्फेक्शन, यानी एड्स की HIV के इन्फेक्शन के बाद से आपको हल्का फुल्का कमजोरी होगा, लगभग 1 से 6 हफ्ते तक आपको थोड़ा कमजोरी फील होगा। नो सिम्टम्स आल, और आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अनदर पीपल, यानी अकेले एक जो पर्सन है वो कई पर्सन को बीमार कर सकता है, ये प्राइमरी स्टेज का बात हो रहा है। अब आओ चलते हैं बच्चों हम लोग सेकेंडरी स्टेज के बारे में, स्टेज नंबर सेकेंड में। अब देखो इसमें क्या होता है, लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, समझ में आ रहा है, लगभग 10 ईयर्स तक, लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, लगभग 10 ईयर तक इसका एवरेज रेशियो होता है। दिस स्टेज इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, इसमें किसी भी तरह का सिम्टम्स नहीं पता चलता है।
देयर मे बी स्वेलिंग ग्लैंड्स, यहाँ पे ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, चाहे इंटरनल ग्लैंड है या एक्सटर्नल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, ये दोनों के दोनों स्वेल कर जाती हैं, सभी ग्लैंड स्वेल कर जाती हैं, ठीक है। दूसरे स्टेज का बात हो रहा है, द लेवल ऑफ एच आई वी इन द ब्लड ड्रॉप टू वेरी लो लेवल, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो एच आई वी का लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमारा जो ब्लड का लेवल है धीरे धीरे लो होता जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये धीरे धीरे हमारे पूरे ब्लड में अपना इन्फेक्शन बैठाना शुरू कर देगा। एच आई वी एंटीबॉडी आर डिटेक्टेबल इन ब्लड, ठीक है, यानी जो एच आई वी एंटीबॉडी होता है ये पूरी तरह से ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल होता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद से आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, द सिम्टम्स आर मिल्ड, यानी हल्का फुल्का सिम्टम्स आपको अब दिखना शुरू होगा। द इम्यून सिस्टम ऑफ डिट्रेट्स, ठीक है ना, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अब धीरे 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 बेकार हो रहा है, यानी पूरी तरह से अब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक्स इन्फेक्शन एंड कैंसर, मतलब इसमें आपको कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब चौथा स्टेज जो सबसे लास्ट स्टेज है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है एंड द इलनेस बिकम मोर सीवर लीडिंग एंड एड्स डायग्नोसिस, यानी आपको उस समय चौथे स्टेज में पता चलेगा कि पूरी तरह से आपको एड्स हो चुका है। ये बच्चों होने में एक साल का समय लग सकता है, डेढ़ साल का समय लग सकता है या दो साल का भी समय लग सकता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन एक बार अगर पता चल गया कि इस पर्सन को एड्स हुआ है तो उसको मरने में भी टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 साल के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। सिम्टम्स में बच्चों आप देख सकते हो क्या क्या बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे इस तरह से पूरे पीठ पे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। उसके साथ ही साथ बच्चों न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, आई में प्रॉब्लम होने लगता है, लंग्स में इतने सारे निमोनिया के सिम्टम्स आने लगते हैं, स्किन में ट्यूमर्स बनने लगते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आने लगता है। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जब एड्स वायरस आता है बच्चों तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट को दोनों को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। चलिए जस्ट आफ्टर दिस आप देखोगे यहाँ पे, देखिए जो टी सेल्स है, ठीक है, जैसे ही मान लो कि ये छोटा सा वायरस है ये आया और ये टी सेल से इसको समझना शुरू किया, अब ये क्या करेगा, इसको समझने से पहले ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, यानी टी सेल्स के अंदर, लाइक एज दिस देख सकते हो एच आई वी इन्फेक्टेड टी सेल्स। और टी सेल्स के अंदर जाने के बाद से जो एच आई वी वायरस है ये पूरी तरह से टी सेल्स को खाने लगेगा और अपने नंबर को रिप्लिकेट यानी करेगा, यानी कि अपने नंबर को बढ़ा लेगा। नंबर को बढ़ाने के बाद से आप देखेंगे ये चारों तरफ से इसको ब्रश करके हर जगह पे निकल जाएगा और हमारे बॉडी में ये स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एड्स, बहुत ही डेंजरस होता है, कभी ये सही नहीं हो पाता है बच्चों, ये याद रखिएगा। और उसके बाद से देखिए अगर बैक्टीरिया, इसमें कई तरह के आपको एक साथ डिजीज़ हो जाएंगे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी डिजीज़ हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, कापोसिस सार्कोमा यानी कैंसर हो जाएगा, हर्पीज हो जाएगा आपको, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा यानी कि फ्लू। जस्ट आफ्टर दिस और भी बहुत से पैरासाइट से आपको एक साथ डिजीज होंगे, यानी कि जब आपका इम्यून सिस्टम बच्चों वीक होगा तो आपको एक साथ लाखों करोड़ों डिजीज हो जाएंगे जो आप ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। न्यूमोसाइटिक कैरनी यानी न्यूमोनिया डिजीज, फंगल से क्या होगा, कैंडिडा हो सकता है, क्रिप्टोकोकस, आपको खुजली जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। आफ्टर दिस बच्चों कैसे एच आई वी का हम लोग टेस्ट करें, तो एच आई वी की टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ये माउथ का भी सैंपल ले सकते हैं, वैसे ब्लड का सैंपल बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। एच आई वी टेस्ट डिटेक्ट द बॉडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू एच आई वी इन्फेक्शन, यानी ब्लड के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं बॉडी के अंदर एंटीबॉडी में एच आई वी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रेजेंट है और किस तरह से अपने इन्फेक्शन को फैला रहा है। लेकिन हम लोग बच्चों इसको सही नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, द टेस्ट डोज NOT डिटेक्ट द एच आई वी वायरस, ठीक है, ये पूरी तरह से नॉट जो होता है ये एच आई वी वायरस को डिटेक्ट करता है, जैसे कि आगे हम लोग चलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बच्चों
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इसमें कई मेथड हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कौन बेस्ट मेथड है मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, जिसको एलाइजा के नाम से जाना जाता है, ये बताता है टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, कि आपका एड्स जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में इसका फ्री इलाज होता है, आप पता करा सकते हो। एंजाइम इम्यूनो एसे यानी EIA भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे कंफर्म नहीं होता है तो दूसरे से दे सकते हैं, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसे, ठीक है, या इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी एसे, RIP या IFA, इसके द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जिसको PCR टेक्निक कहते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं किसी पर्सन को एड्स हुआ है कि नहीं। और सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट बच्चों ये होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 100% कंफर्म कर देता है किसी पर्सन को HIV अपना इन्फेक्शन दिखाया है कि नहीं, वेस्टर्न ब्लड कन्फर्मेटरी टेस्ट, यही सबसे मेन टेस्ट होता है बच्चों। अगर कोई अच्छे से नहीं डिटेक्ट कर पाता है कि एड्स हुआ है कि नहीं, तो ये जो है ये 100% आपको डिटेक्ट करके बता देगा लास्ट वाला कि आपको एड्स है कि नहीं। बच्चों कैसे कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं एड्स को, तो सबसे पहली बात ये है बच्चों कि अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किसी के साथ नहीं बनाना चाहिए। यूज बैरियर सच एज कंडोम्स एंड डेंटल डैम्स, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय कंडोम्स का यूज कर सकते हैं, जो एक रबर के जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्पर्म पूरी तरह से जाके रुक जाता है, ठीक है। लिमिट मल्टीपल पार्टनर बाय द मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ वन पर्सन, कहने का मतलब यह है कि अगर आप फॉरेन चले जाएंगे तो एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ, ठीक है, बहुत सारे मेल के साथ अपने फ्रेंडशिप को रखती है, बहुत सारे मेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, या एक मेल है बहुत सारे फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एड्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात कीजिए अबाउट द बीइंग टेस्टेड बिफोर यू बेगिंग और सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप से पहले पहले अपने पार्टनर से बात कीजिए, कहीं उसको एड्स तो नहीं है, उसका चेकअप कराइए, चेकअप कराने के बाद से अगर निगेटिव है तब जाके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट उसको विदाउट प्रोटेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको एड्स है तो प्रोटेक्शन के साथ अगर है तब, ठीक है, अदरवाइज विदाउट प्रोटेक्शन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आदमी बना सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HIV रिस्क रिडक्शन कैसे होता है। देखिए, अवॉइडिंग ड्रग्स यानी ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज टू मेंटेन गुड जजमेंट, इनसे बचना चाहिए, अल्कोहल एंड ड्रग्स से। डोंट शेयर नीडल का हम लोग एक बार यूज करके दोबारा यूज न करें तो ही बेटर है। ड्रग्स बच्चों इससे कैंसर हो, इससे हमको एड्स फैल सकता है। टैटूज जो लोग बहुत बनवाते हैं उनको भी हो सकता है, क्योंकि एक ही मशीन से कई टैटूज बनाए जाते हैं कई लोगों को, ठीक है। बॉडी पर्सिंग यानी बॉडी में कोई पेनिट्रेशन हो रहा है और नीडल के द्वारा, और उसी नीडल का यूज़ कई लोग कर रहे हैं तो उनको भी एड्स हो सकता है। अवॉइड एक्सपोजर टू ब्लड प्रोडक्ट यानी ब्लड प्रोडक्ट से हमको बचना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, मतलब कौन कौन सी दवाओं से हम लोग बच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जाइडोउडीन जो आपको दवा दिख रहा है, ये बहुत ही बेस्ट दवा होता है एड्स के लिए, लेकिन बच्चों ये सक्सेस नहीं है, ये दवा का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं नेविरैपिन, ठीक है, रेटोनेविर, ये सभी जो दवाएं हैं ये बच्चों बहुत ही डेंजरस होती हैं। अगर ये दवा को जब तक आप लोग खाएंगे तब तक ये जिंदा रहेगा इंसान, ठीक है, लेकिन बच्चों इसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है, कोई भी पर्सन अगर इसका मान लीजिए यूज़ करता है तो बच्चों उसका बाल झड़ने लगता है, उसकी स्किन फटने लगते हैं, बहुत ही डेंजरस इसका साइड इफेक्ट होता है, दवा ही उस इंसान को मार डालेगा, ठीक है बच्चों। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, आप देख सकते हैं 1986 में, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो 1986 में, यहाँ पे कम लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत कम लोगों को यहाँ पे हुआ था, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत कम लोगों को हुआ था फर्स्ट केस HIV, चेन्नई में देखा गया था, इंडिया में, ठीक है, चेन्नई में देखा गया था। उसके बाद से 1990 में देखा गया बच्चों HIV प्रीवेलेंस ये रीच में यानी पहुंच गया था 5%, जो महाराष्ट्र में पहुंच गया था, मणिपुर में पहुंच गया था,
उसके बाद से 1994 में आप देख सकते हो जो HIV है वो 1% और भी बढ़ गया था एमंग द ओमेन्स महाराष्ट्र और मणिपुर में। उसके बाद से आप देख सकते हो जो HIV है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फिर 1% बढ़ गया, ठीक है ना, चेन्नई में, तमिलनाडु में, ये सब जगहों पे पहुंच गया। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 में यानी 2000 में, आप देखिए जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो रेड वाला पार्ट है यही है सब एड्स फैलने का जरिया, यानी कि इस जगहों पे एड्स यहाँ पे देखिए फैल चुका है, यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है। 2001 में लगभग 3.97 ठीक है मिलियन इंडियन लिविंग विथ HIV, यानी इतने लोगों को HIV हो गया था। उसके बाद से आप देखिए 2002 में बच्चों गुजरात, ठीक है, रिमेन इन मीडियम प्रीवेलेंस, ठीक है ना, यानी कि इतने लोगों को वहाँ भी फैलना शुरू हो गया था। देखिए हर जगह बच्चों फैल रहा है। 2003 में गुजरात से लेके पूरी तरह से लगभग हमारा भारत, ठीक है, हमारे भारत में लगभग 15% लोग, 15 तो छोड़िए अब 25 हो चुका है, 25% लोगों को आज के ज़माने में एड्स हो रहा है, ठीक है, ये सब उनके गलतियों की वजह से होता है। और बच्चों याद रखिएगा, ये आपको लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ, ये बच्चों है देखिए एड्स दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 1988 में, वर्ल्ड एड्स डे उसी समय से मनाया जाता है, जो आज भी एड्स दिवस के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों मेरा दो क्वेश्चन है, आप लोग उसका रिप्लाई देंगे। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है और किस प्रकार से वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।